सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विग्नेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल एम्पायर। सो गेमर्स, आज की वीडियो में हम पोकेमोन की लेटेस्ट गेम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पोकी टाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना प्ले स्टोर पर इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि ये गेम आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल ही नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी पोकेमोन्स की ऐसी ऐसी टाइप की गेम रिलीज हुई हैं, बट अनरिलीज्ड गेम मैं आपको दे रहा हूँ आज ही, जो रिलीज़ ही नहीं हुई है अभी तक प्ले स्टोर पे, किसी भी प्ले स्टोर पे रिलीज़ नहीं हुई है। तो अगर आप इसको ढूंढेंगे तो बिल्कुल भी आपको मिलने नहीं वाली है किसी भी प्ले स्टोर पे। और तो अनरिलीज गेम के बारे में आज आपको बताऊंगा, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना इस गेम को ढूंढने के लिए, और अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस गेम को डायरेक्ट डाउनलोड करने की कोशिश भी मत करना। इस वीडियो को आखिर तक देखना वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और इसके साइज़ के बारे में बात करें तो 343 MB का इसका साइज़ है। गेम चलेगी आपकी ऑनलाइन, थोड़ा सा नेट खर्च होएगा, और अभी तक की आपको गेम बताऊं तो बेस्ट लगी मुझे गेम। मैं भी सीरियसली गाइस बताऊं तो मैं एक पोकेमोन फ़ैन हूं और अभी तक हूं, और मैंने अभी तक की जितनी गेमें खेली हैं उसके अंदर से सबसे बेस्ट गेम जो आपको बताऊं तो मैं जो यही लगी है। और मुझे इसलिए अच्छा सा लगा कि यार मुझे आपको इस गेम के बारे में बताना चाहिए, और मेरा फ़र्ज़ है इस गेम के बारे में आपको बताने के लिए। तो गाइज़ इसलिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ इस गेम के ऊपर। तो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दिखाएं एक लाइक करके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार एक नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा यार, और मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सो आगे की वीडियो में बता तो इस गेम को कैसे करना है डाउनलोड, तो प्लीज़ स्किप करने की गलती मत करना। सो देर किस बात की गाइस, चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। गेमर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि आप अपने चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर 3 एरो दिख रहे होंगे, 3 एरो पे जाना है और उसके बाद डेस्कटॉप साइट कर लेना है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद लिंक को पेस्ट कर देना है आपको एंड क्लिक गो। उसके बाद थोड़ा सा लिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी ऐड है वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी, छोटी सी जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाल कलर की ऐड है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एम रोबोट पे टच करना है एंड थोड़ा सा टाइम लेगा, और पज़ल भी आ सकती है, हो सकता है ना आए और हो सकता है आए। तो मेरे में नहीं आई है तो मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं कि मेरे वो पज़ल्स आई हैं, मैंने सेव वो सॉल्व करके आगे बढ़ाऊँ। उसके बाद क्लिक हेड टू कंटिन्यू पे टच कर देना है आपको, और उसके बाद एक ऐड का पेज खुलेगा, उस ऐड के पेज को कट करना है और वापस पीछे आना है। तो आपको 10 सेकंड के लिए कुछ वेट करना पड़ेगा, और फटाफट 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। वेट जैसे कि हमारा ओवर हो चुका है, तो वेट ओवर होने के बाद यहाँ पर हमें एक गेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको टच कर देना है। तो आप कुछ APK की प्योर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो उसके बाद अपना 3 एरो पे जाके डेस्कटॉप साइट हटा सकते हैं और अपने फ़ोन को रोटेट भी कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा पेज आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर कोई XAPK नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल APK है। आपको यहाँ से सिंपल यहाँ डाउनलोड पे टच करना है, और आपने क्रोम ब्राउजर से या फिर APK प्योर की एप्लीकेशन से ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आया है कि दोबारा डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं नहीं डाउनलोड करूँगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड मैं कर चुका हूँ। तो आपको डाउनलोड कर लेना है ये APK। XAPK नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का, कोई भी झंझट नहीं है। APK इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना जेड अचीवर खोल लेना है और वहाँ पर देखना है कि ये APK कहाँ पर डाउनलोड हुआ है। आपका इस वाले फोल्डर में, डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका डाउनलोड होगा। मैं आपको शो कर देता हूँ कौन सा फोल्डर होगा। आपका ये वाले फोल्डर में होगा, आपका APK इंस्टॉल होगा, क्रोम ब्राउजर ही ओपन करना, पर मैंने यहाँ पर रख रखा है तो यहाँ पर आप इसको APK को ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल पे आपको सिंपली टच कर देना है और इंस्टॉलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपको अपनी गेम को सर्च करना है और उसको ओपन कर लेना है। और गाइज एक और बात बताना मैं भूल गया था कि इसके ग्राफिक आपको मिलेंगे 3D, और ऊपर से आपको इसके अंदर मिलेगा आपको इंग्लिश वर्जन। आपने कई सारी गेमें देखी होंगी पोकेमोन की ऐसी, बट वो आपको चाइनीज़ वर्जन में मिलती होंगी, बट ये गेम आपको इंग्लिश वर्जन में मिलेगी।
तो आपका कुछ फेस ऐसा आएगा पहले तो कि आपको गेस्ट करना है या लॉगिन करेंगे, तो आप गेस्ट और लॉगिन दोनों आप कर सकते हैं आपको आपके हिसाब से। मैंने लॉगिन पहले से कर रखा है तो इसलिए मुझे दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिर्फ अपना सिंपली स्टार्ट गेम पे आपको टच कर देना है और आपकी थोड़ी सी यहाँ पर 7-8 MB की डाउनलोडिंग होगी। डाउनलोडिंग होने के बाद थोड़ी लोडिंग लेगा ये वाली लोडिंग, उसके बाद आपकी गेम ओपन हो जाएगी। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया गेमों की वीडियोस मिलती रहे। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड पीस आउट।